बड़ा मजा है। क्या कहता बोलो, उस पत्ता को मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मुझे सलाम क्या करता था मक्का में है। पागल अनपढ़ आता, इससे पहले तो मैं नबी बनाया जाता, नबी बनाने से पहले पत्ता मुझे पहचानता था कि ये मुस्तकबिल का नबी है। इन्नी लअअरफुल आन, मैं तो उसको अभी भी अच्छी तरह पहचानता। अल्लाह हू अकबर, ये हदीस मुबारकात क्या बतलाती है? क्या नबी को सिर्फ नबुव्वत के बाद ही मानना चाहिए? अरे पत्थर इंसान और जानवर की बात नहीं चल रही है, पत्थर जैसा पत्थर नबी के रसूल को नबुव्वत से पहले पहचानता था, ये इंसान होकर भी इसके अंदर अकल नहीं है, जाहिर हो गए। नबी को नबुव्वत के बाद भी नहीं मानना, नबुव्वत के बाद भी इनकी इताअत नहीं करता है, नबुव्वत के बाद भी इनकी सुन्नतों पर अमल नहीं करता है। इमाम साहब ने बोले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बोलते कब भागू, कौन सी सब खाली है, भाग जाता। क्यों? फर्ज है, सिर्फ फर्ज। सुन्नत कहा गई मेरे भाई? सुन्नत कहा गई? क्या नबी से मोहब्बत का दावा बस इतना ही कि फर्ज पड़े और भागो? इंसान और जिन के अलावा मखलूकात आपस में को पहचानती थी और खास तौर पर सलाम करती थी। कहते मैं आज भी उसे पहचानता हूँ। नबुव्वत से पहले जो पत्थर पहचानता था आसलम ने उसको याद रखा। नबुव्वत के बाद भी अगर हम पहचान ले नबी के सल्लम हश्र के मैदान में हमें जरूर पहचान ले। जो पत्थर नबुव्वत से पहले नबी को पहचान लेता है, नबी के सल्लम कहते हैं इन्नी आन, मैं तो उसे आज भी पहचान लेता हूँ। अगर ये उम्मती नबुव्वत के बाद भी नबी के मुकाम और मर्तबे को पहचानना है, याद रखिए मेरे भाइयों। मैं ऐसे ही आपको किसी जोश में बात नहीं कर रहा हूँ, कदम खुदा की ये मेरा ईमान है, ये आपका ईमान होना चाहिए, ये कहला का सलम की अहादीस का मजमूआ जो आप रख रहा हूँ। क्यों ना हमें जोश आए, क्यों ना हमें मन हो रहा है, हम ऐसे ही बेवकूफ नहीं है कि कोई कहते हम जोश में आ जाए। कहला का सलम की बातें है जो ईमान को वलवला देती है, जोश देती है। नबी हशर के मैदान में हमें पहचानने वाले हैं, रूप पहचानने वाले शफी उल मुजलमीन। क्या क्या है सिफत आसा सलम की? शफी उल मुजलमीन, गुनाहों की सिफारिश करने वाले।